मैं आपसे बात नहीं कर रही। तुम क्या हुआ? बंद कर दिया बोलना। अरे ये वो क्या, वो मेमोरी में हो जाएगा, काम होगा तो। हाँ आ जाऊंगा, जरूर आऊंगा, जब भी बोलाओगे। हाँ देखो ये गोपाल है। बधु ओलावी पछी रींगण ने साफ करी अने आ रीते कापो करी देवानो। आ रीते कापो करी अने आमां थोड़ो थोड़ो बधो मसालो भरतो जावानो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी इना चाय लेके आई है, मस्त सुबह सुबह की पहली चाय। तो पहले हमको चाय दे दो। गुड मॉर्निंग। ज्यादा मत हिलाना, ढोड़ाई जाएगा। गिर जाएगा, ढोड़ाई जाएगा नहीं, गिर जाएगा। चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो आज हमारी बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग, आज संडे का दिन है, तो आज मैं घर पे रहा हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। काम सब पोस्टपोन कर दिया है। तो आज तुम मेरे पास बैठोगी एक घंटे के लिए। एक घंटे के लिए आपको छुट्टी है और आपने काम पोस्टपोन किया है। मेरा काम पोस्टपोन नहीं हुआ है, मेरा तो जो रूटीन होता है वो होता ही है, लेकिन आप चाय पी लो तब तक यहाँ पे बैठती हूँ। ओके, तो रूटीन होता है तो आज का क्या प्रोग्राम है? आज का कुछ खास प्रोग्राम नहीं है, लेकिन स्नेहल दीदी का फोन आया था, तो विशु को वो गाल पर चुड़िया हुआ है, तो मुझे वो हॉस्पिटल लेके जाना है। और दोपहर को खाना खाने के बाद अगर आप फ्री हो तो हम गाड़ी चलाने के लिए जाएंगे, मुझे गाड़ी का 2-3 राउंड लगाना है। तो मैं भूल ना जाऊं, अगर भूल गई ना तो फिर आप मुझे डांटेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, तो अभी मैं हिना को एक राउंड लगाऊंगा, देखेंगे उसका हाथ साफ हुआ कि नहीं हुआ गाड़ी चलाना है, वरना लाइसेंस निकलेगा नहीं। हाँ, तो सही से नहीं आएगा। हाँ, और गैप भी ज्यादा पड़ गया है, क्योंकि अब मैं फ्री नहीं था काम में, तो गैप पड़ गया। प्रोग्राम में विशु को दवाखाना लेके जाना है और गाड़ी का हिना को राउंड लगाना है, देखते हैं उसका हाथ कैसे साफ हुआ कि नहीं हुआ, गाड़ी कैसी चलाती है। अगर मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी ना तो कानू आकर पार्टी देंगे, वो कुछ ना कुछ बना के खाना या चाय के कुछ भी अपने हाथों से बना के खिलाएंगे। बनाओगे? तो आई एम आदमी। आदमी ऐसा नहीं, हम खाना बनाते नहीं। तो कुछ भी बना, अगर मैं अच्छी तरह से चलाऊ ना तो आप शाबाशी देंगे। हम उसको शाबाशी देंगे। नहीं, शाबाशी तो मिलेगी ही, शाबाशी नहीं मिलेगी तो डांट मिलेगी। नहीं चलाओगी तो डांट मिलेगी, वरना शाबाशी तो मिलेगी। और अच्छी तरह से चलाई तो अच्छा है ना? अच्छा है। नहीं तो तुम भी फ्री हो जाओगी। चलो मैं अच्छी तरह चलाई, मेरा लाइसेंस निकल जाएगा तो बहुत मजा आएगा। तो हम जाएंगे स्नेहल बहन के घर पे और मैं आपको गोपाल से भी मिलवाऊंगा, जो अगले वीडियो में मैंने टाइटल डाला था कि गोपाल को बुला लो। तो हम गोपाल से भी मिलेंगे, स्नेहल बहन से भी मिलेंगे, विशु से भी मिलेंगे। तो चलो हम जाते हैं स्नेहल बहन के घर पे। तो गाइस ये देखो, ये गोपाल है, ये स्नेहल बहन से घर, मैं अगले वीडियो में टाइटल डाला था कि स्नेहल बहन के घर पे से गोपाल को बुला लो। तो ये गोपाल है। तो गोपाल, मैंने अगले वीडियो में टाइटल डाला था तुम्हारा, घर पे जो सब काम किया था, मैं गोपाल को स्नेहल बहन के घर से बुला लो, तो तुम आ जाओगे ना कभी भी काम होगा तो? हाँ आ जाऊंगा, जरूर आऊंगा, जब भी बोलाओगे। हाँ देखो ये गोपाल है। तो स्नेहल बहन हमारे गर्मा गर्म चाय बना रही है, बोलो कुछ क्या प्रोग्राम है आज का? चलो चाय पीते, आज छुट्टी है तो बहुत मौज मस्ती करेंगे। अच्छा, चाय पीने आ जाओ मेरे घर। आज संडे की छुट्टी है ना? हाँ। तो गाइस आज संडे की छुट्टी है और हिना और विशु कहीं पे बाहर गए, अभी वो आ जाएंगे दोनों, तो मिलके हम सब चाय पियेंगे। मैं, स्नेहल बहन, हिना, विशु सब मिलके चाय पियेंगे। और हमारा गोपाल यहाँ काम कर रहा है, काम यहाँ से काम करता करता पीछे पहुंच गया है बातें करते करते। तो गाइस ये देखो, ये दोनों आ गए हैं, हिना भी आ गई, विशु भी आ गई। विशु कबूतर बन गई है, उसको गाल पचोला हुआ है, दिखा तो मुंह गाल पचोला वाला। अरे ये वो क्या, वो मेमोरी में हो जाएगा, उसको गाल पचोला हुआ है। आप क्या बोलते हो हिंदी में गाल पचोला, गुजराती में गाल पचोला क्या बोलते? पचोड़िया। अच्छा, गाल पचोड़िया हुआ है इसको, इसलिए वो छुपा रही है मुंह। तो हिना आ गई, स्नेहल बहन यहाँ खड़े, अब हम चाय बनाएंगे, गर्मा गर्म चाय हम बन चुकी है। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया? खाली चाय बनाई, सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, चाय बनाई। ए जल्दी फटाफट मुंह दिखा, ले ले मेमोरी में आ जाएगा। गाल पचोलिया सबको मालूम है, ऐसा नहीं, नहीं है कोई नया नहीं है, सबको होता है, सबको होता है। एक ले ले जल्दी, तुझे पता चला कि मैं मोटे हो जाऊँ तो ऐसे दिखेगी। वो दवा ले रही थी जाड़ी होने की, तो जाड़ी तो हुई नहीं, गाल पचोले हो गया। उसका गाल पचोले ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, नीलू को भी हुआ था, नहीं हुआ था? लालानी से, हमारी से, अटारी से। तो गाइस हमारी गर्मा गर्म चाय आ गई है, यहाँ पे कॉफी है, यहाँ चाय है,
यहाँ विश्व गाल बोतला बता दो बड़ा बड़ा वो नहीं भी नहीं सकते है। वो खुल के हंस भी नहीं सकते है, गाल बोतला झुका लिया दर्द होगा उसे। तो चलो मैं विशु को क्लिनिक लेके गई थी तो उसको घर छोड़ दिया है और अभी हमारा खाना रेडी हो गया है। तो ये है हमारा आज का खाना। तो चलो हम खाना खा लेते हैं। मम्मी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आज तो हमें दोपहर हो गई, जय स्वामीनारायण करते हैं ना। तो चलो भाई खाना पीना हो चुका है। इना अभी मस्त बर्तन मांज रही है। क्या खाया तुमने? सही सही। मैं आपसे बात नहीं कर रही। क्यों, क्या हुआ? बंद कर दिया बोलना। आपने सब बोला था कि आज संडे है तो मैं घर पे तो खाने के लिए टाइम पे फिर भी नहीं आए। काम करो ऐसा बोल के गए थे कि काम है कुछ। अब यार तो वहाँ गया तो बहुत ट्रैफिक था, मेरा काम भी थोड़ा लेट हो गया। बस जो अभी जस्ट आए और अभी हम खाना खाने और आप बहुत बर्तन मांग के हम साथ में बैठते हैं खाना खाने। हमने खा लिया है, आप अपना देख लो। हमने तो खा लिया। छिबड़ी करता हाँ। तो ये मत तो क्या आ जाओ, मैम तो एक वगैरह सुधी रहा जो आवे आवे तो खाइए। हम जेंट्स लोगों का ऐसा ही होता है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कहाँ जाते हैं कहाँ रुकते हैं। थोड़ा सा काम था ना तो जल्दी पता के आ जाना था टाइम पे, साथ बैठ के खाना खाए। वो आपकी बात सही है लेकिन हम जेंट्स लोगों का कुछ ऐसा ही होता है। फोन नहीं देखते आप? फोन में क्या कहते हैं कि एक टाइम का खाना फैमिली के साथ खाओ। मैं तो शाम को खाते नहीं खाते नहीं खाते नहीं खाते शाम को भी नहीं खाते। तो क्या आप आ जाते हैं लेकिन ऐसा बोलते हैं मैं बाद में खा लूंगा, अभी मुझे भूख नहीं, क्योंकि आप नाश्ता करके आते हैं बाहर से। अभी मैं नाश्ता करके नहीं आ रहा, थोड़ा लेट हो गया। अगर आज तो आए होते ना तो पता चलता नाश्ता करके नहीं आया हूँ। चलो तो फटाफट मैं खाना खा लेता हूँ फटाफट। तो गाइस जब हम खाना हमारा खुद से लेंगे तो हम पहले कैरी मेरी ले लेते हैं। तो ये रही हमारी कैरी। तो हमारी सब्जी आ चुकी है, केरी आ चुकी है हमारी, इसमें राइस है। तो गाइस हमारा मस्त खाना यहाँ रेडी हो चुका है। यहाँ एसी बीसी मस्त चालू हुआ है, ठंडा है। आज संडे का दिन है तो मैंने आज छुट्टी रखी है घर पे मस्त। ड्राइविंग स्कूल का तो खत्म हो गया है लेकिन कानू बोल रहे हैं कि चलो हम एक दो राउंड मार के आते हैं वरना तू भूल जाओगे। तो चलो देखते हैं याद है या भूल गई। गाइस मैं थोड़ी बहुत गाड़ी सीख के आ गई हूँ, नहीं भूली हूँ मैं, मुझे सब कुछ याद है और अच्छी तरह से चलाया है, लेकिन थोड़ी बहुत भूल पड़ती है क्योंकि टाइम टाइम पे मेरा फंक्शन है ना वो काम नहीं करता। अभी तक मुझे वो सब याद नहीं है, परफेक्ट तो याद नहीं रहेगा ना आर्यन। हाँ तुरंत तो, लेकिन मुझे याद है सब कुछ, भूली नहीं हूँ। तो हमने वो आटा मार के आ गए है और ये देखो आर्यन, आर्यन तो क्या बना रहा है बेटा। तो आर्यन बहुत ही खादोगड़ा हो गया है, बपर बच्चे कहीं ना कहीं बनाता ज रहता है। और ये देखो पास्ता बना रहा है अभी, पास्ता वो भी कैसा बिना वेजिटेबल का, वो ये ज्यादा पानी डालता है और सूप जैसा बनाता है, मसाला डालता है, बॉईल करके खाता है। मुझे बाकी बनाना सिखा देना, मुझे वो धीमे धीमे सब कुछ सिखाऊंगी। जब आ जाएगा ना तब बनाने में बहुत जोर लगने वाला। देखो कभी तो ऐसा होगा ही कि आप गया हो जाओगे, मैं घर पे होगा, बात सो रहे होगी। अब मुझे बाकी परेशान करने, मैं बस मसाले वाले भाखरी बना लूंगा। मसाला वाला भाखरी बना लेगा और चाय के या दही के साथ खा लेगा है ना। हाँ, चाय भी आती है। हाँ, चाय भी आती है, कच्ची पक्की लेकिन चाय भी बना लेता है। तो गाइस हमारी शाम की चाय तैयार हो रही है, हिना चाय बना रही है। सुबह स्नेहल बहन ने बनाई थी, अभी हिना बना रही है चाय। आप नहीं बनाते हो तो हमें तो बनानी पड़ती है ना। मैंने आपको बोला कि आप आज घर पे हो तो आप चाय बनाओ। हमें चाय बनाना नहीं आता, हमें चाय पीना आता है। तो इना को मैं लेके गया था मैदान में थोड़ा गाड़ी में हाथ साफ करने के लिए, तो नहीं चलाएगी तो भूल जाएगी, लाइसेंस निकलेगा नहीं। तो मैं जो चला दोपहर को जाते, आज मैं घर पे हूँ तो मस्त उसने आज बेहतर चलाया, नहीं पहले से नहीं भूली ना, नहीं भूली, बहुत अच्छा चलाया। अगर अच्छा नहीं चलाती तो आप मुझे डांटते हो। डांटेंगे ना, डांटेंगे ना, क्या करेंगे।
मैं अच्छी बात है, मेरे को पता है आप जब तक डांटेंगे नहीं मुझे मैं ध्यान नहीं दूंगी, सीरियस नहीं हूँ। सीरियस नहीं होंगे क्योंकि जो जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करो। नहीं मुझे सीखने है काम, मेरे लिए नहीं सीखने, आपके लिए सीखने। आपको ऐसा लगता है ना कि इना इना को गाड़ी परफेक्ट आ जाए, इना गाड़ी चलाने लगे, इसलिए मुझे आई कैन डू इट। अभी तैयार रहना जरूरी है, ये लोग जब बड़े बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो हाँ सामने जो व्यवहार आएगी वो गाड़ी बाड़ी चले के आएगी, तो यहाँ नहीं आएगा तो हम ऐसा लगेगा ना भाई तुमको गाड़ी नहीं आती, सीखा है नहीं गाड़ी किसी ने, इसलिए मैं आगे का सोच के अभी उसको सिखा रहा हूँ और ये सीख रही है। तो खाने की तैयारी मस्त शुरू हो चुकी है, यहाँ पे हिना खाना बना रही है, परेला रिंगन का साग। बाद से कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। अभी अभी बा आपकी इतनी सारी सहेलियाँ आई थी, कहाँ गए थे आप? अमे बदा भेगा मळीने बैठा था, एम था कि आज क्या बेहीशू, कोने घेर प्रोग्राम बनाईशू, बातो करी सत्संग दी बधी। સાંજે મંદિર જવાનો ટાઈમ થાય એટલે એકાબીજાને બોલાવીને મંદિર હતી, પણ એમ બધું એવું હોય કે અમે ચાર પાંચ બહેનપણીઓ છે ને તે એકાદી બહેનપણી નો આવે ને તો અમને મંદિરમાં મજા નો આવે, એ બધી હોય ને તો જ મજા આવે। અચ્છા એટલે સબ બહેનપણી ઘર પે લેકે આયા થે? હા तो बा ने बहुत अच्छा सा ग्रुप बना लिया है, बा ने बहनपणियों का ग्रुप बना लिया बहुत अच्छा सा, तो बा घूमते रहते हैं मंदिर मंदिर। નાના છોકરાની જેમ અમે બે નાના છોકરા રમવા જતા હોય ને એમ રોજ હવે ઉંમર થાય એટલે રોજ અમે રમવા જઈએ, એકા બીજી બેનપણીઓ ને ઘેર રોજ રમવા આવ્યા છે। તો ઠીક હે, લેકિન એ દૂસરા બેલન ક્યાં ગયા? પેલો ગેસ નાનો થઈ ગયો હતો ને, હાવ બંધ થઈ ગયો હતો બરોબર, એટલે મારે તો ઉપાધિ થઈ ગઈ, મને વણતા ફાવે ને આ બાજુ ફરું આ બાજુ ફરું, આ નાના ગેસ ઉપર આવીને ટેબલ મૂકીને વણતી હતી, તે વણમાં જતા જતા ભટકાનું જ બેલન પડી ગયું નીચે, તે અંદર વયું ગયું, માથી તો લેવાય નહીં, પછી એ અંદર જ પડ્યું છે, તમે લઈ લેજો ને હું બીજું લઈ આવી। બાતો ક્યાં હે ને, આર્યન ને કલ પૂછા કે મમ્મી બા કહા ગઈ, એમ તો વો ભી હોય બા કહા ગઈ, મેં મિલ કે આતા હું વિડીયો ઉતારને કે લી, તો મેં બા નહીં હે મમ્મી બા કહા ગઈ, મેં બા સહેલી ને યહાં ખેલને કે લીએ ગઈ હે, આર્યન કે છે મેં કીધું આ તમે રમવા જાવ એમ બાઈ રમવા જાય। હવે અમારે બાળપણ આવ્યું છે, નાના હતા તે રમવા જતા હતા, નાનપણ ને ગટપણ બધે સરખું જ કહેવાય, એટલે હવે અમે રમવા જતા રહીએ, રમવા જતા રહીએ। મિલ ગયા મિલ ગયા મિલ ગયા ક્યાં બે હતા નીચે, લેકિન મમ્મી નીચે ઝૂક કે દેખ નહીં શકતે ને ઇસલી। અચ્છા ઓકે ચલો ભાઈ વેલણ મિલ ગયા હે, ટેડી મેડી રોટલી આજ તો ખાને કો મિલેગી, ઉસે ક્યાં ફરક પડતા હે કે કેસા ભી આકાર હો। ગાઈઝ ભરેલા રીંગણાની સબ્જી બનાની હે, तो मैं आपको रेसिपी दिखाता हूँ। बा अभी सब तैयार कर रहे हैं यहाँ पे मसाला, बा मसाले के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं, देखो रिंगण में भरने के लिए। तो यहाँ रिंगण यहाँ पे पड़े हुए हैं, थोड़े कि यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हिना यहाँ पे गैस को लेके परेशान है, क्या हुआ? पता नहीं यार, ये बीमारी लग गई है। तो हिना गैस रिपेयर कर रही है खुद से, पिन मार रही है। तो दिखाओ गाइस, सबको दिखाओ पिन कैसे लगाते हैं। तो वो दिखेगा ही नहीं, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे यहाँ पे पिन लगाती हूँ ना गैस के पाइप में, तो अच्छी तरह से वो जाता है यार। हमारा रिंगन का मसाले का मिश्रण हो रहा है। हमारे लाला ने से रिंगन नु साग भरेलू बहुत गमे, बहुत भावे याने रिंगन नु साग, એટલે ગમે ત્યારે જયારે શાક લાવે ને ત્યારે નાના નાના રીંગણ લેતો જ આવે, આ શાક બનાવજો આ શાક બનાવજો, એને ભરેલું શાક બહુ ભાવે રીંગણ નું બોલો, એટલે અમારે બનાવવું જ પડે છે, આ ગરમીના રીંગણ ખાવા ન હોય પણ તોય ખાવા પડે અમારે લાલા ને કારણે। એ વાત સહી છે, મેં આપકો દેખાતા હું છોટે છોટે રીંગણ, એ દેખો ઇતને છોટે છોટે રીંગણ હતો હે, અભી બા મેં કમ કરી દીધા, જ્યાદા નહીં ખાતા હું। तो हिना गैस के पीछे पड़ चुकी है, यहाँ पे सब तैयारी हो रही है। नीलू यहाँ पे आ चुका है, कहाँ गया था खेलने? कहाँ पे खेलने गया था? वैसे ही साइकिल चला रहा था रोज के दिन। ए रोज के दिन पर पढ़ाई नहीं करनी है, परीक्षा अभी स्टार्ट है मालूम है ना, भूख लगी मम्मी। હા બસ તારે તો ભૂખ જ લાગી હોય, ઘરમાં પગ મૂકે ને એટલે ભૂખ લાગે, બહાર રમતા હોય તો ભૂખ લાગે, તમે રમી નહીં ત્યારે ભૂખ લાગે ને? હા દરરોજ ભૂખ લાગે મમ્મી, અમે ના અમે ખાવું, અમે નાના હતા ને તો મારી દાદીમાં છે, દાદીમાં આપણે એમ કહીએ ભૂખ લાગી ને હજી ન બન્યું હોય ને એટલે તો દાદીમાં શું કહેવાય ખબર છે, સુલા ઉપર ચડી જાઓ
हां सुला ऊपर चढ़ जाओ भाई चलो नहीं ये प्रॉब्लम है चलो एनीवेज हमारे हमारे जो आ लालो ने नाना था आर्यन तार पापा ने की तार पापा तुम्हारे जेम करे के घर में आवे ने એટલે એમ કે ખાવું છે બા ખાવું છે મમ્મી ખાવું છે તો હું કહું કે હું ખાવું છે કે આ બનાવ કે નહીં ખાવ તો હું ખાવ એ હરસેલા ખાવ તે કે ઈ હું પછી બાળુ પકડી અને આ છે આ મરસેલો મારીને તે ઓલી બાજુ જાય અને પાછા આ બાજુ પકડીને તે ઓલી બાજુ પછી મસાલા બનાયા હે ઉસમેં ક્યાં ક્યાં ડાલા બતાવો મસાલામાં જો મીઠું મરચું હળદર ધાણા જીરું સિંગનો ભૂકો પછી ખાંડ અને એ બધું મિક્સ કરી અને અંદર તેલ નાખવાનું તેલ નાખી અને આવી રીતે મિક્સ કરી અને બધું હલાવી પછી રીંગણને સાફ કરી અને આ રીતે કાપો કરી દેવાનો આ રીતે કાપો કરી અને આમાં થોડો થોડો બધો મસાલો ભરતો જવાનો આ રીતે મસાલો ભરી અને આવી રીતે આ બધી રીંગણ ભરી અને આમાં ભરી દેવાનું પછી સબ્જી શાક વઘારી દેવાનું એટલે ધીમે ધીમે ઝીણી ઝીણી આંચ ઉપર ચડવા દેવાનું એટલે મસ્ત સરસ મજાનું શાક થાય બહુ મજા આવે तो गाइस ऐसे सब ये सब रिंगण ऐसे मसाला भर के यहाँ इसको रखना है तो सब्जी बन जाएगी तो मैं सबको दिखा दूंगा कैसी बनी है फिलहाल भाई ये सब काम कर रहे हैं हमारा खाना रेडी हो चुका है और भरवा बैंगन की का सब्जी भी रेडी हो चुकी है मैं आपको बताती हूँ कमल की तरह खिल गए हैं बैंगन तो हमारा सब्जी रेडी हो चुकी है कमल की तरह खिल भी गई है और बहुत ही चटाकेदार मम्मी ने साग बनाया है रसादार और लाल देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसा सब्जी बनी है तो चलो अपने आपको अगर साथ खाओगे तो मिलेगी सर्विस वरना अपने आप खा लेना रिंगण मिलते हुए आज कानून नवाई मारी तो चलो खाना खा लेते हैं तो गाइस इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है तो गाइस ये बात तो सच है पूरी दुनिया मतलब से ही चलती है अपने हो या पराए हो तो सबके साथ अच्छा संबंध बनाए रखो और ऐसे ही चलते रहो तो लाइफ चलती ही रहेगी गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो बाय गाइस बाय